ठकराहा में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बगहा SDM सरफराज नवाज एवं जल संसाधन विकास के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र प्रताप ने संयुक्त रूप से ठकराहा प्रखंड के जगीराहा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 व कोइरपट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में PHD विभाग द्वारा कराए गए सोलर चालित मिनी जल मीनार से जलापूर्ति का भौतिक सत्यापन किया। जांच के संबंध में पदाधिकारी ने बताया कि जगीराहा पंचायत के वार्ड 9 में दलित बस्ती निवासी रमेश बासफोड़, प्रभु बासफोड़ आदि लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोइरपट्टी पंचायत स्थित वार्ड 11 में PHD विभाग द्वारा निर्माण मिनी जल मीनार से वार्ड के लोगों को जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन मिनी जल मीनार निर्माण के समय घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। मौके पर मौजूद PHD विभाग के कनीय अभियंता दिलीप कुमार मंडल से अधिकारियों ने दोनों योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की मांग की है, लेकिन अभियंता द्वारा योजनाओं से संबंधित अभिलेख अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए। नहीं ठीक है, मैंने चार घर का है ना, घर का नहीं सर, हाँ पानी कोई भी पी सकता है सर, एक जगह चार को स्टैंड पे टंकी लगा तुम्हारा चला तीन चार बार खबर चला चुके सर, हम खुद चला चुके सर, लगा लगा फोन पर कई बार बात हुई है, पहले सीधे बात सब फोन पर सुन लेंगे साहब लोग, और मतलब की कार्रवाई हो या ना हो ठीक है आकर देखते हैं, हम संवेदक को बोल रहे हैं, ऐसा कुछ करके टाल मटोल हो जाता है सर। ये जो है कंपनी वाला का है सर, यहाँ तो कितने लोगों को पानी सप्लाई अब तो घरे तो हाउस कनेक्शन है नहीं, कमी पाई गई है। जगिया में जो है 2.5 साल से बंद पड़ा हुआ पाया गया है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो चालू स्थिति में है ये। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जांच करेंगे, इसके अलावा नल जल योजना और गली नली इसकी भी जांच होगी, इसके बाद ही जांच करेंगे। तो ये दोनों में देख लिया, इसमें से एक में अनियमितता पाई गई है, एक ये तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन ये जो जूनियर इंजीनियर है वो अभी तक अभिलेख अभी प्रस्तुत नहीं किए हैं, इनको आधे घंटे का समय दे रहे हैं, आधे घंटे के अंदर में वो प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद में हम बताएंगे कि इसके अनुरूप बना है या नहीं बना है। ठकराहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। पटोरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर ओपी के गांव में बुजुर्ग प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि प्रेमी जोड़े में प्रेमिका की उम्र 60 वर्ष की, वहीं प्रेमी की उम्र 58 वर्ष की है। प्रेमिका की शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद प्रेमी और प्रेमिका का एक दूसरे से मिलने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। वहीं जब परिजनों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने प्रेमी जोड़े की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी सूचना पर पहुंचे मोहनपुर ओपी पुलिस ने प्रेमी जोड़े को परिजनों की चंगुल से छुड़ाकर स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी में भर्ती कराया, जहां बीते सप्ताह प्रेमी जोड़े का इलाज चल रहा है। बुधवार को ओपी पुलिस ने मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कर प्रेमी जोड़े से प्रेमिका को बयान दिलाने हेतु पटोरी थाने लाई, जहां मौके पर मौजूद थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बुजुर्ग प्रेमिका को 164 के बयान हेतु न्यायिक हिरासत में समस्तीपुर न्यायालय भेज दिया। वहीं प्रेमिका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में अभी भी जारी है। समस्तीपुर से उदय कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए कृषि बिल के विरोध में किसानों द्वारा जारी आंदोलन को समर्थन देते हुए जमुई शहर के कचहरी चौक स्थित स्वर्गीय अभय सिंह स्मारक पर कांग्रेस एवं भाकपा द्वारा प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने और मोदी सरकार की किसान विरोधी योजना के खिलाफ धरना देते हुए प्रतिरोध दिवस मनाया। इस प्रतिरोध दिवस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, भाकपा जिला सचिव नवल सिंह, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष देवी कुमारी, दलित प्रकोष्ठ अध्यक्ष धर्मेंद्र पासवान, मोहन रावत सहित दोनों पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम खास करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, जो हमारे कॉमनी CPI, CPN, ML और माले का जो किसान के समर्थन में आज धरना का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग अपना भागीदारी किसान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग कम्युनिस्ट वाले सारे कार्यकर्ता नेतागण के साथ आज हम लोग धरना पे बैठे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो भाजपा सरकार ने किसान के प्रति दमनकारी और षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ आज जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, किसी भी सूरत में जो किसान का मांग है उसको पूरा करना होगा, और जब तक नहीं करेगा तब तक हम लोग महागठबंधन के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, सारे लोग उत्तर रोड से संसद तक का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, चरण
अध्यक्ष हरेंद्र सिंह। हाँ मांगे हैं, मांगे मुख्य रूप से किसान का जो मांग है, किसान के खिलाफ जो तीन काला कानून ने अध्यादेश पारित किया है भाजपा सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने, उसके खिलाफ कि किसी भी सूरत में इस कानून को वापस लेना होगा, किसान के हक में होगा। तो किसान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, माले के लोग, सीपीआई सीपीएमएल के लोग और जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब एकजुट हैं। और विगत 7-6 दिन से इन लोग का धरना प्रदर्शन चल भी रहा है और आगे भी चल रहेगा और हम लोग कांग्रेस का पूर्ण समर्थन इन लोग के साथ है और किसान की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हरेंद्र सिंह, अध्यक्ष जिला कांग्रेस जमुई। जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।